हेलो स्टूडेंट्स, उपेंद्र सर लेक्चर्स की नर्सिंग टॉक सीरीज में आपका बहुत स्वागत है और हम आज फिर से लेके आए हैं कुछ नर्सिंग न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आज की संडे, निमहांस एग्ज़ाम 24 अक्टूबर। आई होप कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर दिस एग्ज़ाम रिजल्ट। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मुझे पता चले, लाइक 69 तक भी एक दो स्टूडेंट्स ने बताया, 70 भी बताया है, 71 भी बताया है। तो एक बार मुझे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने निमहांस के एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, क्योंकि जैसे ही पेपर सबमिट किया होगा तो आपको आपके मार्क्स ज़रूर पता चले होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। NVS नवोदय विद्यालय समिति 2019 के एग्ज़ाम की एक वेटिंग लिस्ट आई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया है तो यू चेक इट आउट वंस। हो सकता है अगर आप लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया हो तो आपका नंबर उसमें आ गया हो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ नंबर 3, उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम स्टाफ नर्स का लगने वाला था उसके फॉर्म रीफिल करने के लिए मैंने एक वीडियो में और बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो चेक नहीं किया है तो एक बार चेक कर लें कि क्या प्रोसेस है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसके बारे में कि वो फॉर्म दोबारा से निकले हैं और वो दोबारा से भरे जा सकते हैं। तो जो भी फ्रेशर्स इस दौरान पास आउट हुए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, वो उस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसकी थीम भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी थीम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। मेंटल हेल्थ हर इंसान का एक अधिकार है, सभी के लिए होना चाहिए। आइए चलिए इसे रियलिटी में बदलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हरियाणा के अंदर 275 पोस्ट कुछ दिन पहले निकली थी, उसका भी एक बार वेबसाइट चेक कर लें और उसका फॉर्म भी फिलअप कर दें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 275 पोस्ट उसमें थी। नेक्स्ट न्यूज़, नॉर्सेट 2021, बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था, फाइनली उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, ओपन भी हो गए हैं। उसके साथ में कई सारे हॉस्पिटल और जोड़े गए हैं, 4 हॉस्पिटल का एक फॉर्म, लिमिट भी वेरी है और एक्सपीरियंस भी उसमें वेरी करके मांगा है। पूरा एडवर्टाइजमेंट ठीक से पढ़िएगा और उसके बाद ही सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मुश्किल से एक महीना भी ठीक से नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालें। किसी भी तरह की एडवाइस के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसे तैयारी की जाए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नर्सिंग न्यूज़ और नर्सिंग टॉक्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।